है गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो ये है त्रिशान के बर्थडे वाला ही दिन। तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया कि हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर गए थे। मैं वॉइस ओवर ना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी चिमनी की आवाज़ ना यार बहुत तेज है, जिसकी वजह से ना सब कुछ मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, और नहीं चलाओ तो थोड़ा ज़्यादा सा मतलब उमस सी हो जाती है। तो मैं साथ के साथ किचन भी साफ़ करती जा रही हूँ क्योंकि अब है खाने का टाइम, खाना बनेगा। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बाहर से नहीं लाएंगे, घर का ही खाना बना के खाएंगे। तो अभी ये एक तरफ मैंने राइस भी भिगो के रखे हैं, खाने में है मटर पुलाव, शाही पनीर, और बस एक ही सब्ज़ी हम लोगों ने रखी थी। हमें पता था कि हम ही लोग हैं तो इतना कुछ करना नहीं है इसलिए, और रायता और पूरी, तो ये सब चीज़ें रखे हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना, तो आपको दिखाती हूँ कि शाही पनीर में कैसा बना है। ये देखिए मेरा शाही पनीर एकदम तैयार हो गया बढ़िया सा। मैं ना बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में पूरी रेसिपी नहीं दिखाई है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट में आपको पूरी रेसिपी भी दिखा दूँगी। यहाँ मैं मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने रख दिया, उसमें थोड़ा सा डाला है घी, और अब मैं जीरे का छौंका लगा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ही ब्लॉग को शूट कर रहे हैं तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, मतलब ऐसी हंसी मजाक चल रहा है हम लोगों का। तो उसमें बस ये देखिए पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने इसमें जीरा और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं जो कि अच्छे लगते हैं थोड़े, इसलिए। तो एक तरफ शाही पनीर बन जाएगा, एक तरफ मटर पुलाव, और उसके बाद मैं पूरी और रायता बनाने की तैयारी करूँगी। और खाना ना झटपट मतलब बन गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन ये है कि तैयारी तो करनी पड़ती है क्योंकि सुबह से हम लोग जागे थे और ये सब काम कर रहे थे। तो अभी राइस भी मैंने इसमें डाल दिया है, तो बस राइस बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी बस राइस भी बन गया है, तो उसको चला के मैं बंद कर दूँगी। आज ना इतनी गर्मी थी, मैंने बाल बाल सब फोल्ड किया हुआ था, आज सच में बाहर बहुत गर्मी थी, मतलब हालत एकदम ख़राब थी आज गर्मी के मारे। और ऐसे ही होता है जिस दिन घर में कुछ होता है ना, उस दिन और गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है। तो चलिए खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आज का खाना राइस पूरी कैसा बना है? हाँ कैसा बना है? मस्त, ये सुपर मस्त, ठीक है। क्या मांग रहे आप? एक प्लेट दे रही हूँ। हे गाइस, अभी खाना खा के मैं फ्री हूँ, इतनी थक गई हूँ, मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा सुबह से, लेकिन अभी थकना नहीं है। एक तक्ष जी ने हमारे सुबह से इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, बलून फुलाओ बलून फुलाओ बलून फुलाओ। त्रिशान भी सो रहा है वरना वो करने भी नहीं देगा। तो हम चलो माँ बेटे मिलके फुलाते हैं पहले बलून और उसके बाद कुछ करते हैं। मैं ये लेके आई थी उसके बर्थडे डेकोरेशन के लिए, ये सब गिर गया, ये रहा सारा सामान इसका, अभी आपको दिखाती हूँ। चलो फोन ट्राइपॉड पे लगाती हूँ फिर उसके बाद। गाइस ये अभी मम्मी सुधा रही है गुब्बारे, इसको खराब कर दे बस गिराती है, नहीं तो हाँ गिरा है, नहीं गिरा है। हाँ हाँ बता रहा, बात बताया था क्या खराब हो गया? इसमें से कहीं से हवा निकल रही है इसकी वजह से ना, वरना और कौन हवा निकल रही थी, हवा नहीं कर रही। आ रहा देखना बना रहे इसका सही से, देखना थोड़े से बलून फुलाते हुए। पापा मैं बना लूंगा एक मिनट। तक हट जा बेटा। अच्छा ये बलून फुलाने की मशीन बहुत बढ़िया है, इसको मतलब इससे फुलाने में भी मज़ा आ रहा है, वरना मुँह से फुलाते फुलाते तो हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा करा ये लेके आ गए, इससे ईजिली फूल जाता है, तो मैं वही एक्टिंग करती हूँ, मतलब हवा निकल जाती है फुलाते फुलाते। ये देखो त्रिशान जी बैठ के देख रहे हैं कि पापा क्या डेकोरेशन करे, करो करते जाओ करते जाओ। बलून तश ऐसे मत करो, वो डरता थोड़े आराम से। अभी देखो हमारे त्रिशान का डांस देखना, अभी इसकी ताल पे तो ये बलून फुलाए जा रहे हैं। अभी ये जंग ना अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी हम लोग लगे हुए हैं,
अब हम लोग कुछ बलून्स फुला के और ये कर्टेंस है ये लेके अब हम लोग डेकोरेशन के लिए आ गए हैं कि चलो डेकोरेट कर देते हैं, तो ड्राइंग रूम में ही कर देंगे, थोड़ा सही रहता है। सोफ़ा वोफा लगा ना तो केक वेक यहीं कट कर लेंगे हम लोग, तो इसलिए ये देखो हमने ये खोला, पीछे से त्रिशान आ रहा है, तक्ष भी छेड़ रहा है, सबको एक साथ मतलब लग जाना है काम में। इसलिए एक तो बच्चों के साथ ना ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ठीक है, त्रिशान जब बड़ा होगा देखेगा मम्मी पापा अपने हाथों से मेरे लिए डेकोरेट कर रहे थे तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग यही सब चीज़ें में लगे हुए थे, ये सब ना एक मोमेंट होते हैं जो अच्छे अच्छे कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपके मोमेंट हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप देखोगे, देखो त्रिशान भागते हुए आ रहा है साइड से, कितना एक्साइटेड है वो, देखो खड़ा हो गया है, और यहाँ हम दोनों लगे हुए हैं। तक्ष भी अपनी मस्ती में लगा हुआ है, कभी बलून फुला रहा है तो कभी वो खेल में लग जा रहा है, बच्चा ही है वो भी, उसको क्या ही बोले। ये देखो ये वाले मेरे को ना फॉयल बलून सबसे अच्छे लगते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं इतनी जल्दी फुला के, बस ये सबसे बढ़िया, और पूरा घर ना अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। मुझे लगता है कि 10-12 यही लगे हो ना तो आपको बलून्स की तो ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये ना पूरा सेट में लेके आई थी, इसमें कर्टेंस और ये स्टार ये सब चीज़ें थी। तो ये है, तो ये देखो तक्ष के पापा बना दिए हैं बंच पूरा, वो लगे हुए हैं इसमें। तो यहाँ तक्ष के पापा बना रहे बलून का बंच, और फिर अभी हम लोग डेकोरेट कर देंगे रूम में। हमने फुला फुला के रखे हैं, तक्ष को बोला है लाओ तुम भाग भाग के जला के दो, तो वो यही कर रहा है, वो भी बहुत एक्साइटेड है। वो सुबह से कि मम्मा बलून कब फुलाएंगे, बलून कब फुलाएंगे, वो बहुत एक्साइटेड है कि आज उसके भाई का बर्थडे होता है ना। देखो प्यार ना ये बच्चों में ना शुरू से पनपा रहता है, और थोड़ा माँ बाप को ना उसको निखारना पड़ता है अपने भाई बहनों के प्यार को। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मतलब हम सुनते हैं भाई बहन आपस में ऐसे है वो है, क्योंकि ना उनके बीच में दरार डालने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप ही होते हैं, वो ये सब चीज़ें सिखाते हैं। और कुछ चलो बच्चे हो जाते हैं ऐसे, लेकिन अगर माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करे, क्या करते हैं कि एक की बुराई करते दूसरे के सामने, दूसरे की बुराई करते पहले के सामने, इस तरह से जब होते हैं ना तो बच्चे उस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी माँ बाप को ही इसका दुख सहना पड़ता है। बट हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को ना मतलब जितना हो सके, गलती है तो सबको सामने अच्छे से समझाओ, दोनों में मतलब आपके जितने बच्चे हो उनमें आपस में बराबरी रखो हमेशा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कुछ भी हो, सेम प्यार दो तो बच्चों का प्यार हमेशा बना रहता है। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को मैंने अपने ही आसपास इर्द गिर्द देखा है जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि भाई बहनों के प्यार में आपस में कमी आ जाती है, भाई भाई में, बहन बहन में, भाई बहन में, इनमें होता है। तो ये कहीं ना देखो गलती होती है, कई बार होता है कि छोटा बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बड़ा छोटे की नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें पनपती है अपने आप ही, इसलिए मैं ये सब बात करती हूँ। चलिए इस टॉपिक से हटते और ये देखिए स्पाइडरमैन, इसको फुलाने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई, देखो मैं कैसे फुला रही हूँ इसको, एकदम हालत ख़राब हो जाती है इसको फुलाने में। और यहाँ त्रिशान जी भी लगातार आप देख रहे होंगे टेबल के पास खड़े हैं, वो इतने एक्साइटेड थे ना, वो बैठ ही नहीं रहे थे, वो वहीं पे जहाँ हम लोग काम कर रहे थे वहीं वो बैठे। देखो स्पाइडरमैन कितना खूबसूरत लग रहा है, और त्रिशान ना उसको देख के पहले डर रहा था, फिर उसको मैंने उसको बोला कि इसको मारो मारो, ऐसे जब बोला तब जाके वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसको देख के उसके संग खेलने लगा। तो ये देखो अभी वो उतरा है, आपको देखा, ये देखो देखो अब अपने पापा के पास गया है त्रिशान, इसका ना फर्स्ट बर्थडे है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या उसके लिए हो रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है यार कुछ तो घर में काम हो रहा है, और वो उसी में लगा हुआ है। ये देखो अब वो पूरा मतलब टाइम ना, मतलब वो सोया नहीं है, वो देखता रहा, हमें लगा ये सोएगा तो उसके बाद हम करेंगे काम, लेकिन वो सोया ही नहीं है। तो ये नंबर वन वाला था फॉइल, और ये जब हम फोटोज लेने लगे ना तो मैं इसको, इसके पापा ने इसको साइड में कहीं रख दिया था और हम लोग भूल गए जल्दबाजी में, क्योंकि त्रिशान के वो दिन भर नहीं सोया, और रात को केक काटने के टाइम पे उसको नींद आने लगी थी, वो सोने लगा था इसलिए। तो ये वन है, तो ये देखो मैं इसको फुला रही हूँ, तो मतलब ये सब काम बिना घर पे करो इसके मज़े ही अलग होते हैं, सही में मेहनत लगती है, क्योंकि दिन भर से हम सुबह से उठे हुए थके हुए, पूजा घर में हुई है, मंदिर गए, बच्चों को दर्शन करवाया है, फिर खाना बनाया खाए,
और उसके बाद भी किचन में अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, लेकिन सोचा चलो पहले डेकोरेट कर दे। काटने में तो केक ऐसे भी काट लेती है, लेकिन होता है ना अपना ही क्रेज एक अलग होता है बच्चों के साथ। तक्ष के पापा बोल रहे थे कि बाहर से मंगा लूँ डेकोरेशन के लिए किसी को और मतलब करवा लूँ, लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं नहीं करवाना है, क्योंकि ठीक है हम लोग जो चीज़ खुद से कर सकते हैं तो कर लेते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा वो काम नहीं है। इस वजह से शान के बर्थडे का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अभी लगाया है कर्टन, अभी मतलब बहुत अधूरा है, अभी आपको दिखाएंगे। चलिए त्रिशान की फोटो लेंगे अभी इसके साथ। मेरा बर्थडे त्रिशान, बैठ के पकड़ लो बेटा इसको, इसको बैठ। प्यारा सा मोमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। त्रिशान अपने पैर का अंगूठा पी रहा है और तक्ष भी ऐसे ही पीता था पैर का अंगूठा। कितनी मेमोरी इसने दोबारा से ताज़ा कर दी है। इस ब्लॉग का मैं करूँगी एंड, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट एक पार्ट और आएगा जिसमें पूरा ब्लॉग का सीरीज मैं ख़त्म कर दूँगी। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।